हाय गाइज, आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर। यानी लो ब्लड प्रेशर कब होता है, किस कंडीशन पे होता है, उसका लक्षण क्या होता है, उसका उपचार क्या होता है, उन सब के बारे में इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ब्लड प्रेशर रेंज की, यानी लो ब्लड प्रेशर रेंज कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे डेंजरस लो ब्लड प्रेशर जो है वो 50 mm/Hg और जो डायस्टोलिक दे रखा है वो 33 mm/Hg होनी चाहिए। तो ये डेंजरस होता है। टू लो ब्लड प्रेशर 60 mm/Hg और 40 mm/Hg, यानी सिस्टोलिक 60 चाहिए और डायस्टोलिक 40 चाहिए, तो ये माना जाता है लो ब्लड प्रेशर कैटेगरी में। लो ब्लड प्रेशर 90 mm/Hg, 60 mm/Hg जो है वो डायस्टोलिक पे दो तो ये लो ब्लड प्रेशर भी रहता है, लेकिन ये डेंजरस नहीं रहता। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120 mg और जो डायस्टोलिक फेज है वो 80 mm/Hg होनी चाहिए। ये होती है नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज। नेक्स्ट की बात करें तो लो ब्लड प्रेशर में सिम्टम क्या होते हैं, यानी लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, तो डिजीनस यानी चक्कर आना, फीलिंग सिक यानी ऐसा लगे कि जो पेशेंट है वो बीमार मालूम पड़े, ब्लड विजन यानी उसको धुंधला दिखाई देना, कन्फ्यूजन कन्फ्यूज रहना हमेशा, फैंटिंग यानी मूर्छित होना या बेहोश होना, और कई सारे इसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी वो अपनी एकाग्रता जो है वो कंसंट्रेट ना कर पाए, ये सारे सिम्टम होते हैं एक लो ब्लड प्रेशर पेशेंट के। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है मिडोड्रिन SCL, जिसको बोला जाता है मिडोड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। ये काम क्या करता है, जो मिडोड्रिन होता है ये सबसे पहले वर्क करता है जो नर्व होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, जो नर्व के एंडिंग होते हैं वहाँ के पोजीशन को स्टिमुलेट करता है, जिससे जो ब्लड वेसल होते हैं वो टाइट होने लगते हैं। जब ब्लड वेसल टाइट होने लगेगा तो रिजल्ट क्या मिलता है कि जो ब्लड प्रेशर लो था वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो ये इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट की बात करें तो वह है क्लोड्रोकार्टिसोन, ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन है। इसमें भी कई सारे ब्रांड आते हैं, लेकिन ये जो प्रॉपरली प्रोकार्टिकॉइड यूज़ किया जाता है ये क्या काम करता है कि जो हमारी किडनी होती है वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करती है, जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगी तो जो हमारी आउटपुट होगी यानी कार्डियक आउटपुट होगा वो इंक्रीज होने लगेगा, और जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो जो BP लो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वह है पाइरिडॉक्सामाइन, ये यूज़ की जाती है लो ब्लड प्रेशर में। इसमें ये काम क्या करता है, ये होता है एक तरह से न्यूरोजेनिक आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कंडीशन में ये ड्रग्स जो होती है वो बहुत इफेक्टिव होता है। आप लोगों ने मास्थिया ग्रेविस का नाम सुना होगा, उसमें भी ये ड्रग्स यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो वह है कैफीन, कैफीन जो कि CNS स्टिमुलेट करता है, आप लोगों को पता ही होगा, ये कई सारे जैसे खाने वाले चीज़ों में पाई जाती है, उसमें मिलाई रहती है, जो क्या काम करता है लो ब्लड प्रेशर को हाई करने में मदद करता है। नेक्स्ट की बात करें तो एरिथ्रोपोएटिन, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है EPO, ये प्रोहिबिटेड है इस समय, इंक्रीजर इन हेमेटोक्रेट एंड ब्लड विस्कोसिटी, ये क्या काम करता है, जो ब्लड की विस्कोसिटी होता है यानी गाढ़ापन होता है उसको इंक्रीज कर देती है, जिससे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है और उसके बाद क्या करता है लीड टू हाइपरटेंशन, और ये हाइपरटेंशन जो भी ब्लड प्रेशर लो था उसको बढ़ा देता है। नेक्स्ट की बात करें तो वह एस्पिरिन, जो कि NSAID ग्रुप की है। एस्पिरिन काम क्या करता है, ये हार्ट अटैक यानी ये एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की तरह वर्क करता है, ये जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर को घटाने में वर्क किया जाता है, लेकिन पिछले वीडियो में हमने आपको इसके बारे में नहीं बताया था, तो इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके बारे में बात कर रहे हैं कि एस्पिरिन का वर्क क्या है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।